एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन में, जो कि हमारा ग्रेटर मोहाली के अंदर प्रोजेक्ट है। एमसी अप्रूव में है, लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली। आपकी बहुत ही ईजी कनेक्टिविटी है टू लुधियाना हो, या फिर आपने चंडीगढ़ जाना हो, या फिर आपने हिमाचल जाना हो। गाइज, बहुत ही अच्छी लोकेशन में हम आपके लिए घर लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, जहाँ पे आप हर महीने इस घर का जो रेंट है वो 30,000 आप इजीली हर महीने ले सकते हैं। तो गाइज, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नियर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है। और इसके अलावा इसकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं, साइज़ इसका 112 गज में बना है, 21x48 फिट इसकी जो डायमेंशन रहेगी। बाकी जो भी फ्लोर की डायमेंशंस है वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी कि क्या किस तरह से। और थोड़ी सी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे दो पार्क मिलने वाले हैं, वॉक इन डिस्टेंस पे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वॉक इन डिस्टेंस पे मिल रही है। और सोसाइटी का प्रॉपर बोर है ताकि आपको पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एमसी अप्रूव है, लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, सीवरेज के कनेक्शंस वो भी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में हुए हैं। और अभी रोड जो है 30-35 feet है, उसमें अभी प्रॉपर अभी काम चल रहा है, अभी लॉकिंग टाइल्स वगैरह भी लगनी बाकी है। तो गाइस, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन घर है 3 BHK, आप देख सकते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर लेना है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आप इंटीरियर अपने अकॉर्डिंग इसका बना सकते हैं। अगर आपने रेडी टू मूव घर लेना है वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी जैसे ये रेडी होगा, इसकी जिस तरह से रेडी होने वाला है उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ। सेम एज इट इज़ उसी तरह से रहेगा, बस थोड़ा सा फ्लोर प्लान चेंज है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। तो चले फिर चलते हैं हम सीधा अंदर की तरफ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये हाईवे से सिर्फ आपका 200 मीटर के डिस्टेंस पे है गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है। आप इजीली यहाँ पे अपना जो है कुछ भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करना है वो आपका इजीली आ जाएगा। गेटेड सोसाइटी है, आपका प्रॉपर गार्ड्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑलरेडी सोसाइटी वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो देख लेते हैं एक बार इस घर का फ्रंट एलिवेशन, फिर चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, देखते हैं कि क्या किस तरह की फ्लोर प्लान रहेगा। सो लेट्स गो। तो गाइज, आपने फ्रंट एलिवेशन तो देख लिया है हमारी कोठी का। तो ये हमारे पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कोठी है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। और बाकी जो रेडी टू मूव कैसी होती है उसकी मैं वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये ओन हाईवे ही प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया था। तो चले फिर देखते हैं अंदर कितना स्पेस है, किस तरह का फ्लोर प्लान रहेगा, और क्या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है वो भी मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ उनसे। तो यहाँ से आप सीधे ही आपका रैंप रहेगा। इसमें इस कोठी में एक बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे 6 फुट का बर्म एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं। बोथ साइड आप पोल देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेनलेस स्टील का जो गेट है वो रहेगा विद वुडन के टच के साथ। और इसी के साथ ही अंदर एंटर होते ही यह जगह है आपका पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे आप इजीली अपनी बड़ी से बड़ी कार भी इजीली आप पार्क कर सकते हैं। और स्टेयर्स के नीचे आप देख सकते हैं जो स्पेस है, यहाँ पे आप अपना सिलेंडर लगाना चाहें वो भी कनेक्शन हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है। और इसी के साथ ही इस साइड को देखते हैं तो यह आ जाता है आपका कॉर्नर विंडो। और इसी के साथ ही साथ में डिज़ाइन है जहाँ पर अभी टाइल का वर्क होना बाकी है या वुडन का वर्क होगा। इसी के साथ ही आ जाता है आपका 2-व्हीलर पार्किंग एरिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको पानी टंकी में चढ़ाना इजी हो जाए। और बाहर यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा आपको डिज़ाइन दिया है, इससे कि आपकी कोठी की लुक अच्छी लगती है। तो प्रॉपर लाइटें वगैरह और सारी चीज़ें आपको करके देंगे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं तो। अभी स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। तो ये आ जाती है आपकी वी गार्ड की वायरिंग हमने की है, और एंकर ब्रांड के स्विचेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये आती है आपकी डोर, जो डबल डोर रहेगी, एक आपका नेट का डोर रहेगा और एक आपका वुडन का डोर। और ये काफ़ी वाइड
चौगाट है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही एंटर करते ही आ जाता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आप देखें तो काफ़ी बड़े साइज में आपको यहाँ पे मिल रहा है। 10x20 का आपका लिविंग एरिया है जिसमें कॉर्नर विंडो आपको मिल रही है। और इसी के साथ आपको एसी के लिए भी प्रोविज़न, और ये वाली वॉल पे आपको वॉलपेपर या आप जैसे आजकल आ रहा है पीओपी का वर्क, वो भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे फ्रंट में आपको एलसीडी पैनल के लिए प्रोविज़न दे रहे हैं, यहाँ पे आप अपना एलसीडी लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ को आपको प्रॉपर डाउन सीलिंग का वर्क रहेगा। तो गाइज इसका साइज काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं 10x20 का यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया भी इजीली बन जाएगा और लिविंग एरिया भी इजीली बन जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे राइट साइड में आ जाता है किचन सेक्शन, ये देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी है, 8x10 का आपका किचन सेक्शन है। और इससे को प्रॉपर आपको कबर्ड्स रहेंगे, नीचे भी प्रॉपर आपको कबर्ड्स बना के दे रहे हैं, ऊपर भी कबर्ड्स। और चिमनी के लिए स्पेस हो गया, एग्जॉस्ट फैन के लिए प्रोविज़न, आरओ के लिए, गीज़र के लिए, सारे की चीज़ें आपको कनेक्ट करके देंगे। और यहाँ पे आप अपनी वैनिटी वगैरह वो भी अभी बननी बाकी है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग इस घर को डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से हम करेंगे उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे आपका इजीली जो है एक फ्रिज लोकेट हो जाएगा। तो ये हमारे 2BHK ग्राउंड फ्लोर में है, 1BHK आपका फर्स्ट फ्लोर में है। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका बेडरूम एरिया। बेडरूम एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, 8x14 का आपका बेडरूम साइज है। और ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये देख सकते हैं ये आपका 5x6 का आपका वॉशरूम रहेगा, जो भी हम बाथ फिटिंग करवा के देंगे, सेहरा ब्रांड की रहेगी बाथ फिटिंग। और इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट ये करा है कि आपको हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम दिया है, इन केस बिटवीन अगर आपके गेस्ट वगैरह भी आते हैं, अगर वो तो बेडरूम में सोते हैं तो उनकी प्राइवेसी भी बने रहे, जो हॉल में सोते हैं उनकी भी प्राइवेसी बने रहे। और इस साइड को देखिए तो ये आपका आ जाता है अटैच वॉशरूम, जो कि हॉल और बेडरूम का कॉमन है। इसी के साथ ही आ जाता है आपका बेडरूम एरिया। इसका जो साइज है 10x15 का आपका बेडरूम साइज है। प्रॉपर आपको कबर्ड्स बना के देंगे, और एलसीडी पैनल के लिए भी प्रोविज़न है, एसी लगाना चाहते हैं एसी के लिए भी बीच में आपको प्रोविज़न दे रहे हैं। तो ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, बाहर आपको गीजर के लिए प्रोविज़न दे रहे हैं। तो चले फिर चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में हमने 1BHK बनाया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अगर आपने यहाँ पे खुद शिफ्ट होना है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ये जाती है आपकी स्टेयर्स, जिसमें कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी विद डबल मोल्डिंग मार्बल बीच में दे रहे हैं। गाइज ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है रहने के लिए, और ये जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेटर मोहाली के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट है। इजी कनेक्टिविटी है आपकी, यहाँ से लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, या फिर आपने हिमाचल जाना हो, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन में ये घर है। आप आके एक बार साइट भी विजिट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में उतना पता नहीं चलता है, जितना आप साइट पर आओगे उतना आपको आइडिया भी हो जाएगा लोकेशन का, और कंस्ट्रक्शन का भी आपको मालूम होगा। तो ऊपर की तरफ को देखिए तो यहाँ पे हमने ये एज अ डिज़ाइन के तौर पे भी डाला है, अगर इनके इस बिटवीन आपने स्टेयर्स अगर बाहर से चढ़ानी है ऊपर वाले फ्लोर के लिए तो वो भी आप इजीली चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तोड़फोड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसी के साथ ही जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते हैं ये आ जाता है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया देख सकते हैं, साइज काफ़ी बड़ा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इजीली आप यहां पे अच्छी खासी रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं, 10 to 13,000 के आसपास। या जाता है आपका बेडरूम एरिया, तो देख सकते हैं स्पेस आपको काफ़ी मिल रहा है, और इस साइड को आपसे को अलग से प्रोविज़न दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने कबर्ड्स बनाएं।
तो इसी के साथ ही आ जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम भी आपको जो है कॉमन दे रखा है, अगर इनकेस बिटवीन आपने बाहर कंस्ट्रक्शन करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं, और अगर इन केस बिटवीन आपने यहाँ पे भी अपने जो रूम बनाने हैं वो इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं, वन रूम आपका इजीली यहाँ पे बन जाएगा। इसी के साथ ही इससे पूरी की जो फ्लैट्स वगैरह भी काफी कंस्ट्रक्शन इस एरिया में हो रही है, काफी डेवलपमेंट हो रही है, और नियर बाय काफी सोसाइटीज है जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से घर लिए हैं और अच्छी खासी रेंटल इनकम वो अर्न कर रहे हैं। गाइज अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, नियर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और इस कोठी का जो रेंट आप अर्न कर सकते हैं हर महीने 30,000 आप इजीली यहां से अर्न कर सकते हैं। 2 BHK का अगर आप सारा सामान वगैरह लगाते हैं तो 18,000 से 20,000 में इजीली चढ़ जाता है, और ऊपर वाला फ्लोर जो 1 BHK है वो आपका 10,000 से 13,000 में इजीली चढ़ जाता है। तो आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके बाकी का आप EMI, जितनी आपकी EMI रहेगी वो आपके रेंट जो है उससे निकल जाएंगी। और कोई और अगर आपके दोस्त या भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी घर लेना चाहते हैं उनको प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि वो हमसे प्रॉपर्टी ले और साइट विजिट करें। अगर हमसे नहीं लेनी है बट एक बार आप आके ज़रूर हमारी कंस्ट्रक्शन चेक करें, आप देख सकते हैं कैसी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे खरड़ में करते हैं, और इसके अलावा आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि प्लॉट्स के क्या रेट चल रहे हैं और हाउसेस के क्या रेट चल रहे हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर लेना है इस घर का तो वो भी अभी हमारे पास अवेलेबल है, बाकी आप इंटीरियर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा 3 BHK का कॉन्सेप्ट जो कि 112 गज में बना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए आपके बजट के घर लेके आए। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।